हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके जनरल नॉलेज के लिए कुछ हिंदी वर्ड्स के इंग्लिश मीनिंग लेकर आई हूँ। फर्स्ट वर्ड है सिलाई मशीन। सिलाई मशीन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिलाई मशीन को इंग्लिश में स्विंग मशीन कहती हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैची। कैची को इंग्लिश में क्या कहती हैं? कैची को इंग्लिश में सीजर कहती हैं। नेक्स्ट वर्ड है नापने का फीता। नापने वाले फीते को इंग्लिश में क्या कहती हैं? नापने वाले फीते को इंग्लिश में मेजरिंग टेप कहती हैं। नेक्स्ट वर्ड है धागा। धागा को इंग्लिश में क्या कहती हैं? धागा को इंग्लिश में थ्रेड कहती हैं। नेक्स्ट वर्ड है सुई। सुई को इंग्लिश में क्या कहती हैं? सुई को इंग्लिश में नीडल कहती हैं। नेक्स्ट वर्ड है सिलाई। सिलाई को इंग्लिश में क्या कहती हैं? सिलाई को इंग्लिश में स्विंग कहती हैं। नेक्स्ट वर्ड है बुनाई। बुनाई को इंग्लिश में क्या कहती हैं? बुनाई को इंग्लिश में वेविंग कहती हैं। नेक्स्ट वर्ड है इस्त्री। इस्त्री को इंग्लिश में क्या कहती हैं? इस्त्री को इंग्लिश में आयरन कहती हैं। नेक्स्ट वर्ड है दर्जी। दर्जी को इंग्लिश में क्या कहती हैं? दर्जी को इंग्लिश में टेलर कहती हैं। नेक्स्ट वर्ड है कपड़े की दुकान। कपड़े की दुकान को इंग्लिश में क्या कहती हैं? कपड़े की दुकान को इंग्लिश में क्लोथिंग स्टोर या ड्रेपरी कहती हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।